भाई इसको चेंज करोगे? जस्ट बैक पैनल कराना है। SE3 5G वाला 14,000 में। हटा दो, कर दो भाई। कब उसको कभी भी ना देखो फोन ऐसे पकड़ा जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ तुम फोन पकड़ो ना तो तुम ऐसे खड़े जो पकड़, देखो ये ऐसे इस तरीके से अल्ट्रा वाइड करके ऐसे खड़े रखो, ऐसे ही कैजुअल पोजीशन होकर सुन रहे हैं, जरा सा भी ऐसे ऐसे करोगे तो समझ जाएंगे ऐसे पकड़े रहो बस। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक, टाइम फॉर अनदर स्टिंग ऑपरेशन। आज हम जाने वाले हैं एक ऑफलाइन मार्केट में रिफर्बिश्ड आईफोन खरीदने, और हम ये देखना है कि हर शॉप पे क्या क्या प्राइस मिलती है। ऑनलाइन तो हमने सारे प्लेसेस ट्राई कर लिए, कहाँ से आप रिफर्बिश्ड फोन्स बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन का क्या सीन है मुझे खुद नहीं पता और आपको भी नहीं पता होगा। एज ऑलवेज गाइस, हम स्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फोन्स माइक सब कुछ हिडन रहेगा। सामने गाइस आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग है ना, ये श्रीराम टावर है, लखनऊ की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट है। मुझे ये नहीं पता यहाँ पे कितने शॉप्स में रिफर्बिश मिलता है, क्या मिलता है, वो तो हमें जाके पता चलेगा। लेट्स गो, किस शॉप पे चलें? फोन खरीदने के लिए कितनी भीड़ रहती है यहाँ पे, है ना? सोचो ऑनलाइन तो कोई लेता नहीं लगता है, हर आदमी ऑफलाइन ही खरीद रहा है। एक थोड़ा दूर रहना ताकि ऐसे यहाँ से बाहर से आता रहे, और एक मेरे साथ अंदर चल चलो। आईफोन 12 नहीं मिल जाएगा क्या? पुराना मिल जाएगा, कितने तक चाहिए? अब दिखा दो आप कंडीशन, दिखा देख लें, बस एक ही आपके पास, एक ही कलर नीला ही। दोनों आप दिखा दीजिए, कंडीशन देख के समझ में आ जाएगा। 12 मिनी SE3 दो ऑप्शन है आपके पास, SE3 5G वाला 14,000 में, जो 2022 मॉडल है, 14,000 में SE3 दिला दो, दिला दो 14,000 में। मजाक तो नहीं कर रहे हो? SE2 ना चुपका देना यार SE3 के नाम पे, ऐसा ना करना। आप मंगाओगे कहीं से? रखे हो ना सर, 2022 वाला यही मॉडल है ना? हाँ यही वाला, तो यही मिलेगा। अरे ऑफलाइन में बड़े सही मिल जा रहे हैं सस्ते सस्ते फोन। मुझे SE3 देना 5G वाला, हम सिम लगा चेक करेंगे, 5G आना चाहिए। अच्छा वारंटी तो कुछ बची नहीं हुई किसी में भी? कुछ नहीं, आप कितने दिन की वारंटी दोगे इसमें? फिर वारंटी नहीं, कुछ नहीं आप दोगे? आप मुझे दीजिए या आप लीजिए साथ में, आप कुछ दोगे बिल? अपना बिल तो दोगे दुकान का कि आपने यहाँ लिया है? और चार्जर वार्जर को मिलेगा? केबल चार्जर, चार्जर आपको केबल मिल जाएगी भाई, खुला तो पक्का नहीं है ना, क्योंकि वाटर प्रूफ ही नहीं रह जाता वो चीज है। हमें वाटर प्रूफ चाहिए। मेरी अच्छे दो बातें समझेंगे, कोई चीज खुलेगी और पैक हो जाएगी तो मैं उसको मैं बता भी ना पाऊंगा आपको। सेकंड हैंड देखिए, मैं भी खरीदा हूं। अरे देख के पता चल जाता है, बस देख के पता चल लीजिए, हम धोखा खा सकते हैं। आप बेचते हो आपको ज्यादा अंदाजा होगा, हम तो खरीदते हैं दो साल में। बातों से मेरे पास इलाज है, ये लग रहा है, ये देखो ये भी खुला ही लग रहा है, देखो डिस्प्ले इसका ढीला हो रहा है, इसमें देखो ये डिस्प्ले टूटा हुआ है, डाउट लग रहा है इसमें कि ऐसे खुला ना हो या टूटा हुआ है। अरे 25 में तो मिलेगा, कितने का पड़ेगा? 31। वारंटी कितनी है? 90 बैटरी होगी, इस पर 5G। और कोई पुराना रखे 5G में आईफोन कोई भी पुराना? 31 का बता। अरे बहुत महंगा दे रहे हैं। वारंटी कुछ है इसमें? बिल बिल देगी आप इसका कुछ? कितने का देंगे भैया? ये वारंटी नहीं ना, बैटरी वैटरी कितनी इसमें है? थोड़ा कम कर लिए, वारंटी भी नहीं है आप, मतलब वो बात नहीं करेंगे, वारंटी नहीं है ना? एक हफ्ते की चाहिए, घर ले जाके आराम से मिल रहा है वारंटी में, 28 में ऊपर मिल रहा है, 6 महीने वारंटी बची है, अब बिना वारंटी के दे रहे हैं 27 में, तो बताइए वो ज्यादा बढ़िया लगा ना हमें। फोन बिल्कुल ओके होगा, बाकी वारंटी नहीं है, फिर जब क्या कर सकते हैं। 27 आपका लास्ट है ना? और कोई पुराना आईफोन 5G में कितने का देंगे? वारंटी भी कुछ है? ओरिजिनल वारंटी नहीं है आपकी वाली वारंटी? कितने का? 37। बजट थोड़ा कम था इसलिए पूछ रहे थे, ठीक है चलिए 12 नहीं मिलता तो 12 का सोचेंगे फिर बजट बढ़ा के। अभी तक गाइस रिजल्ट हमारा बड़ा अच्छा रहा, और इवन आईफोन 12 हमें मिल गया था यहाँ पे 28,000 का, यस उसमें वारंटी नहीं थी, और 31 का भी मिल रहा था। सो ऑफलाइन रियली ज़्यादा चीप है, एटलीस्ट 4,000 to 5,000 तो चीप पड़ रहा है। अभी हम और शॉप्स खोजते हैं, लेट्स सी कुछ और फ़ोन मिलते हैं नहीं मिलते हैं। भैया पुराने आईफोन मिल जाएंगे आपके यहाँ? कोई और 5G में कोई आईफोन सबसे सस्ते में जो आपके पास हो? ओपन बॉक्स चाहिए मतलब? ये इंडियन है कि ग्लोबल यूनिट है? इंडियन। कितने का पड़ेगा ये? 26 64 GB।
85% बाकी है। कुछ इसका लास्ट करेंगे मतलब, थोड़ा मुझे लग रहा था ज्यादा है थोड़ा, क्योंकि वारंटी भी नहीं होगी इसमें। लास्ट ईयर इसका बॉक्स बिल मिलेगा साथ में, मतलब चार्जर वारंटी कार्ड बिल, वो ओरिजिनल होगा कि मतलब कुछ भी कॉपी नहीं मिलेगा मेरे यहां? कोई भी आईफोन नहीं पुराना सर? आईफोन सामने मिलेगा पुराना, वो नया। पहली मार्केट गाइस हमने कवर कर ली, यहां पे मैं कुछ फोन्स मिले हैं जो मैं लेने वाला हूं। आईफोन 12 मिल जाएगा क्या पुराना? 12 भी खोज नहीं आया, तो मैं 5G चाहिए था, ये चक्कर ये था। ऐसे ही 3 मिल जाए, यहाँ वैसे मुश्किल ही है मिलना, क्योंकि ये रिपेयरिंग वाला मार्केट जाता लग रहा है। आईफोन रखे हो 12? फोन भाई इसको चेंज करोगे? जस्ट बैक पैनल कराना है। अरे आईफोन 13 का गिलास चेंज करना है, आगे पीछे दोनों, आगे पीछे का दोनों। फेस आईडी काम करेगा? फेस आईडी काम करेगी ना, 4500 रुपये लगेगा टोटल हो जाएगा पूरा। फेस आईडी चलेगा? अरे आए थे आईफोन 12 मिनी खोजने खरीदने, आपके यहाँ मिल जाएगा क्या पुराना? 8 महीना बचा है कि 8 महीना हो चुका है? हो चुका है। कितने का पड़ेगा? 2900। और कितनी वारंटी बची है इसकी? जून जुलाई 2 महीना बचा है। 2 महीने हाँ, तब तो प्राइस लास्ट फिक्स। ये केबल बिल सब दोगे ना आप इसमें? केबल चार्जर 2 महीने अप्रैल की बची है, 2 महीने की अप्रैल की, बाकी 4 महीने, 4 महीने आप और दोगे ना। ये गाइस गोल मार्केट है, यहाँ पे भी आईफोन मिलते हैं। नाका में क्या है कि ना कि सिर्फ रिपेयरिंग काम ज्यादा होता है, लेकिन रिफर्बिशमेंट बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पे होपफुली मिल जाना चाहिए। हाँ जी, आईफोन 12 मिनी मिल जाएगा क्या? आईफोन 12 मिनी कोई मिल जाएगा? 12 या 12 मिनी कोई भी भाई, आईफोन है क्या 12 मिनी कोई? आईफोन 12 मिनी 12 कोई मिल जाएगा? हाँ जी, आईफोन 12 मिनी कोई मिल जाएगा? फिर वारंटी क्या है कुछ आपका? वारंटी नहीं। अच्छा, वारंटी है क्या एप्पल में? अच्छा, इंडियन ही है ना? इंडियन ही है। आपका कुछ रहेगा, अगर कुछ दिक्कत आती तो आपके कुछ जिम्मेदारी? 64128 क्या है? 64 है ना, क्या पड़ेगा प्राइस लास्ट? 3800। हमें 5G में चाहिए, कोई सस्ते में सस्ता, या तो SE3 दे दो या मिनी दे दो, या उससे सस्ता होगा मिलेगा नहीं 5G में। सही है, आप वीडियो तो बना रहे थे, हटा दीजिए, कर दो भाई, भैया 25 तक नहीं मिल जाएगा 12 मिनी? 25 तक 12 मिनी मिल जाएगा? कब आए फिर? आज करा देते, हम तुरंत लेके चले आते, अभी आप करा देते बढ़िया कंडीशन में। तो गाइज हुआ ऐसा ना, ये गोल मार्केट जो जगह है यहाँ पे फोन्स तो मिल जा रहे हैं, बट क्या है ना कि ये ऐसी शॉप नहीं जहाँ पे बहुत सारा आपको मिल जाए। जैसे फोन आता है तुरंत हाथों हाथ बिक जाता है, स्पेशली 12 मिनी तो मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी जो प्राइस मिल रहा है ना वो चीप तो है, बट हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं आज, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम फिर से वहीं पर जा रहे हैं, श्रीराम टावर। ये हरा वाला आईफोन 12 कितने पड़ जाएगा? क्या क्या इसमें है? 1 GB कितना है? दिखा सकते हैं लास्ट प्राइस बताइए फिर हम। बैटरी कितनी है? बैटरी इसकी नो चेक कर लिया, 85 है इसकी, ओरिजिनल 85 है। ये गई बुश करा के 93 करा तो लेके जो काम, मतलब डिमांड किसकी ज्यादा रहती है, 12 मिनी की 12 की? 12 ज्यादा बिकता है, 12 ज्यादा बिकती है। और इन दोनों में 4-5 हज़ार का फर्क पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। फाइनली गाइज हमने फ़ोन परचेज़ कर लिया, 2 दिन हमें लगे स्ट्रेट बाहर जाके लाने में। प्रॉब्लम ये रही ना कि ये फर्स्ट की वेदर बहुत ही एक्सट्रीम है, 42 डिग्री अराउंड है, वो मार्केट्स मेरे घर से बहुत दूर पड़ती हैं, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमने सब कुछ यूज़ कर लिया, ऑटो रिक्शा मेट्रो कार व्हाटएवर जो भी होता है, और फाइनली मैंने ये फ़ोन बाई किया, आईफोन 12 128 GB। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों रखा, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, अभी आपको बताता हूँ। तो मुझे मिला जस्ट फ़ोन, मुझे मिला बस एक केबल एंड एक चार्जर, ये दोनों ओरिजिनल नहीं है, जस्ट फ़ोन ओरिजिनल कंडीशन में है। मैं आपको सारी बातें बताता हूँ कि क्या आप ऑफलाइन मार्केट से फ़ोन बाई किया करें या ना बाई किया करें, स्पेशली आईफोन या जो थोड़े से ना फ्लैगशिप लेवल के होते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपके साथ झोल हो सकता है। सबसे पहली चीज़, मुझे ये फ़ोन कितने का पड़ा? मुझे ये फ़ोन पड़ा है फ्लैट 30,000 का, आईफोन 12
है 28 GB, बट इसके साथ कंडीशन ये रही कि मुझे कोई बॉक्स नहीं मिला ओरिजिनल, मुझे कोई ओरिजिनल बिल नहीं मिला जिसने फर्स्ट टाइम फ़ोन खरीदा होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप विद बिल एवरीथिंग लेंगे तो आपको इंक्लूडिंग GST और सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो प्राइस इफेक्टिवली उससे इंक्रीज हो जाता है। बॉक्स आप लेंगे तो उससे भी फ़ोन का प्राइस बढ़ जाता है। अगर मैं वो सारी चीज़ें लेता तो ये मुझे मिल जाता है अराउंड 34,000 to 35,000 के बीच में, 35 बताया गया था। तो सब चीज़ काट छाट के मैंने समहाउ भैया फ़ोन दे दो, मैंने 30,000 में ले लिया। इसके पीछे कहानी ये है कि 2006 में जब ये फ़ोन आया था तो मैंने एक शॉप से यहाँ पे लेमिनेशन कराया था, आप देख सकते हो, उस वक्त ये सारी चीज़ें मैं करता रहता था। इस सेम शॉप से मैंने दोबारा फिर से सारी चीज़ें करा ली, बिकॉज आईफोन है तो बचा के रखना पड़ेगा ना, आगे जरूरत पड़ेगी मुझे आईफोन 15 आएगा, इसलिए मैंने ये सब करा वरा के रख लिया। अब सवाल ये उठता है गाइस कि प्राइस का वेरिएशन क्या है ऑफलाइन से अगर आप ऑनलाइन कवर करें तो, जहाँ तक मैंने देखा है अराउंड 5,000 तक का आपको डिफरेंस मिल सकता है। जैसे हमने जितने भी आईफोन 12 मंगाए हैं ऑनलाइन प्लेसेस से, वो सारे के सारे अराउंड 39 to 40, even 42 का भी हमने मंगाया है तो आपने देखा 40,000 के आसपास मिलते हैं। ऑफलाइन में ही आईफोन 12 विथ वारंटी विदाउट वारंटी आपको ऑन एन एवरेज 35 to 37 के बीच मिल सकता है, अगर आप थोड़ा सा और खेल खेल लेंगे तो, जैसे मैंने लिया थोड़ा आपको और कम मिल सकता है। अब ये आप कांड मत करिएगा कि आप विदाउट बिल विदाउट बॉक्स ले, क्योंकि मुझे तो सेल करना नहीं है, दैट्स वाई मैंने इस कंडीशन में, अगर आपको रीसेल दोबारा करना है देन ऑफ कोर्स आप विद प्रॉपर बिल और वो सारी चीज़ें करके ही लीजिएगा। आईफोन 12 मिनी जो डेफिनेटली ऑनलाइन में 30 से नीचे नहीं मिल सकता है, इवन लाइक 32-35 तक भी मिलता है, वो ऑफलाइन में आप एज लो एज 24 तक भी बाई कर सकते हैं। यस कंडीशन थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन विथ वारंटी लेंगे लाइक कुछ महीने की बची हो तो 28-27 तक आसानी से आपको वो मिल सकता है, जो कि अगेन 4 to 5,000 रुपये डिफरेंट है कंपेयर टू ऑनलाइन प्राइस के। अब आप सोच रहे होंगे गाइस इतना सस्ता है तो सब लोग ऑफलाइन से ही क्यों ना लें। वेल, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑफलाइन से मैंने फ़ोन बाई किया है, 30 से ज़्यादा दुकानें कवर करने के बाद, 2 दिन लगातार धक्के खाने के बाद, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करिए। थोड़ा सा महंगा मिलता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो ब्रांड वारंटी मिलती है ना, इवन तो अगर आपके फ़ोन की वारंटी एक्सपायर हो चुकी है, जो अच्छे प्लेसेस जैसे कि कैशिफाई, सेलबडी, सही वैल्यू, जो भी प्लेसेस हैं, वो आपको खुद की वारंटी रिटर्न एक्सचेंज ऑफर देते हैं, तो वहाँ से आपको एटलीस्ट थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रहता है। ऑफलाइन लेते हैं तो वहाँ पे गारंटी के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, बहुत से लोग 2 दिन का देते हैं, बहुत से लोग हफ्ता भर का देते हैं, 10 दिन का देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। वो इतना कह देंगे आप सामने फ़ोन चला लीजिए, चाहे जितना चला लीजिए, कोई दिक्कत लगे आप बता दीजिए, अदरवाइज दैट्स इट। तो अगर आप ऑफलाइन से ले रहे हैं तो आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो ये कि फर्स्ट ऑफकोर्स आपको ओरिजिनल बिल जरूर दिखाना चाहिए शॉप वाले को कि हाँ ये फर्स्ट ओनर था जिससे हमने फ़ोन लिया है, उससे आपके लिए एक सेफ्टी हो सकती है। सेकंड, अगर फ़ोन में वारंटी है लाइक एप्पल केयर की वारंटी, अगर इवन 1 मंथ की भी बची है तो आपके लिए वो बोनस है, आप प्रॉपर्ली सारी चीज़ें डायग्नोस करवा सकते हैं। प्लस बॉक्स आपको जो लेना चाहिए और बॉक्स फ़ोन जो है उसमें कोई भी स्क्रैच ना हो तो बेटर। सी, अगर फ़ोन मेरा अगर रफली ऐसे गिर जाता है, एक डेंट पड़ा, अगर हो सकता है इंपैक्ट से फ़ोन का डिस्प्ले ख़राब हो जाए, आपने देखा कि फ़ोन के डिस्प्ले बड़े ही आसानी से बाहर चेंज किए सकते हैं सस्ते दाम पे और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बैटरी से तुमने देखा कि बैटरी बूस्ट की जाती है, इवन 85% अगर बैटरी है तो वो 95% बैटरी हेल्थ कर दी जाती है, जो कि इन में फिर से 85 आ सकती है। ये सारे झोल ऑफलाइन में रहते हैं, तो अगर आप लेते हैं तो इन कुछ बातों का ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा मेरा एक्सपीरियंस विद रिफर्बिश आईफोन बाइंग फ्रॉम द ऑफलाइन। काफ़ी मेहनत है, लेकिन आप लोगों की लगाई से सारी चीज़ें करनी पड़ता कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, आप गलत फैसले ना ले पाए। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून, हैव अ ग्रेट डे।